ऑल इंडिया लीनेस क्लब के लीनेस डिस्ट्रिक्ट WB1 शक्ति का पहला वार्षिक सम्मेलन वरा बाजार के रविंद्र भारती स्थित एजेस बैंक्वेट हॉल में हुआ। लीनेस डिस्ट्रिक्ट WB1 शक्ति के बैनर तले 7 क्लबों ने हिस्सा लिया, जिसमें लीनेस क्लब सूर्योदय, लीनेस क्लब सृष्टि, लीनेस क्लब सर्वोत्तम, लीनेस क्लब सर्वोच्च, लीनेस क्लब सार्थक, लीनेस क्लब सहयोग, लीनेस क्लब संस्कार शामिल थे। 7 क्लबों ने अपने अलग अलग बैनरों को प्रस्तुत किया। ब्रह्म कुमारी स्मिता ने दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना की। मंच पर मुख्य अतिथि डॉक्टर उषा गोयनका को रश्मि रूंगटा ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इसके अलावा मंच पर उपस्थित लोगों को दुपट्टा और पुष्प गुच्छ देकर भी सम्मानित किया गया। अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत नृत्य भी प्रस्तुत हुआ। इस मौके पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुआ, जिसकी थीम अलग अलग थी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, अंगदान के प्रति जागरूकता, जल बचाओ, परिवार और बच्चों के बीच संस्कार थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लोगों ने खूब सराहा। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी पेश किए गए। 7 क्लबों को पुरस्कार समारोह में पुरस्कृत भी किया गया। नए डिस्ट्रिक्ट WB1 शक्ति और 7 क्लबों की नई टीम की स्थापना ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट लीनेस सुमन बागला के द्वारा की गई। मीरा बुबना द्वारा शपथ दिलाकर नई टीम का इंस्टॉलेशन करवाया गया। बैनर प्रेजेंटेशन की जज सुमन बागला और सुषमा भट्ट थे। वहीं कल्चरल प्रोग्राम की जज खुशबू जाजोदिया और सुमन बागला थी। बैनर प्रेजेंटेशन में पहला स्थान लीनेस क्लब सहयोग को मिला और सेकंड पायदान पर रहा लीनेस क्लब सार्थक। वहीं कल्चरल प्रोग्राम में प्रथम आया लीनेस क्लब संस्कार और दूसरे नंबर पर रहा लीनेस क्लब सर्वोच्च। इस श्रेणी में तीसरा स्थान लीनेस क्लब सर्वोत्तम को मिला। वहीं वेस्ट ड्रेस का पुरस्कार लीनेस क्लब संस्कार को मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरला अग्रवाल का कार्यकाल 2022 में समाप्त हुआ, तो 2023 के लिए नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोभा अग्रवाल को बनाया गया। सुमन बागला ने 2023 की नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोभा अग्रवाल का ताज पहनाकर स्वागत किया। उन्हें एक नारियल भी भेंट किया गया, जो शुभ होता है। सेक्रेटरी रश्मि रूंगटा और ट्रेजरर मंजू गर्ग भी इस अवसर पर मौजूद थीं। मंच संचालन कुसुम बागरा और उमा जाजोदिया ने किया। श्वेता चांद गोठिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया। समारोह में सुमन बागला ने कहा कि हमारी जनवरी 2022 में गठित डिस्ट्रिक्ट WB1 शक्ति का 1 साल पूरा हो गया। उन्होंने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के तहत 7 क्लब हैं और 175 मेंबर हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। गरीबों को भोजन कराना, सेमिनार करवाना, चक्षु शिविर आयोजित करवाना, डायबिटीज और कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना इसके काम काज में शामिल हैं। इसके अलावा एजुकेशन और बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी काम किया जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट WB1 शक्ति जो कि जनवरी 2022 में इनागोरेट हुई थी, इसका गठन हुआ था 2022 में, आज 1 साल पूरा होने जा रहा है। हमारे क्लब के अंडर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में टोटल 7 क्लब्स हैं और 175 मेंबर्स हैं। हमने इस साल करीब 30 लाख के करीब करीब काम किया है डिस्ट्रिक्ट से, और हमारे डिस्ट्रिक्ट हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे भोजन खिलाना ज़रूरतमंदों को, सेमिनार करवाना, ऑर्गन डोनेशन, आई कैंपिंग करवाना, डायबिटिक के बारे में, कैंसर के बारे में लोगों को बताना, और इसके साथ ही हम एजुकेशन और बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब देते हैं टाइम कि बच्चे अपना अच्छे से अच्छे आगे बढ़ सके। जो बच्चे जिनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम कोशिश करते हैं कि उनकी पढ़ाई अच्छी से करवा दें। हमारे क्लब से कुछ एक लोगों की मंथली फीसेस भी जाती हैं बच्चों के लिए, जिससे वह अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ, हमारे ऑल इंडिया में आज सभी जगह महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़कर सेवा का काम कर रही है।
हमारी ऑल इंडिया जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारी जो ऑल इंडिया क्लब है, इसमें करीब 30 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट है एंड 3 मल्टीपल्स है, और 7000 के करीब करीब आज मेंबर हो चुके हैं। और हम लोगों की बहुत बहुत मतलब अंदर से मैं क्या कहूँ, बहुत इच्छा है कि हम बहुत जल्दी हमारे इस जो मेंबरशिप ग्रोथ है इसको 10,000 क्रॉस करें। उद्घाटन अधिकारी ब्रह्म कुमारी अस्मिता ने आज कहा कि यहाँ सशक्त महिलाओं को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अस्मिता जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रथम गुरु माँ होती है और सारे घर के सदस्यों के चरित्र को गढ़ने वाली और धर्म के प्रति आस्था पैदा करने वाली स्त्री ही होती है। जो स्त्री घर के काम करते हुए समय निकालकर समाज सेवा के लिए आगे आ रही है, यह देखना काफी सुखद है। उन्होंने इसके लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में बहुत बड़ी जरूरत है कि हम अपने मन और शरीर को शांत करें। अगर मन शांत और संतुलित नहीं हो सकता तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सशक्त महिलाओं को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैसे भी हमारे समाज में और घर में स्त्री का कार्य होता है घर को बैलेंस करना, सारे घर का आधार होती है। कहते हैं कि माता प्रथम गुरु है, और सारे घर के सदस्यों के चरित्र को बनाने वाली और धर्म के आस्था पैदा करने वाली, उनका बल देने वाली जो होती है वो शक्ति स्त्री होती है। तो ऐसी बहनें अपने घर के रोज़ के काम से ऊपर उठ के अपना जो समय है उसको निकाल कर, विशेष रूप से अपने रिसोर्सेज को निकाल कर समाज के लिए प्रदान कर रही हैं, सहयोग दे रही हैं, संगठित हो रही हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई है, और आज के समय की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने मन को शांत करें, स्थिर करें, और विशेष ये फेमिनिन पावर है, दूसरों को सहयोग देना, स्नेह देना। तो आज के समाज को क्या दुनिया को इसकी बहुत आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 2022 लीने सरला अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि 7 क्लब साल भर काम करते हैं और हम लोग एक वार्षिक सम्मेलन करते हैं जिसमें सारे क्लबों के कार्यों का विवरण दिया जाता है। हमारी लाइनेस क्लब जो कम से कम 40 साल से चली आ रही थी वो अभी बंद हो गई थी, उसके बाद हम लोगों ने ये लीनेस के नाम से इंडिविजुअल अपनी संस्था बनाई। पहले लायंस की स्पॉन्सर की हुई थी, अब हमारी इंडिविजुअल, और इसमें अभी हमने 7 क्लबें बना ली हैं। और 7 क्लबों का साल भर काम होने के बाद हम साल में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें सभी का अपना किया हुआ काम और हमारा काम करने का क्या उद्देश्य है वो दर्शाया जाता है। हमारी मेंबरों ने सभी क्लब के मेंबरों ने अपने अपने क्लब से 3 मिनट का प्रोग्राम देकर ये दिखाया कि पानी कितना ज़रूरी है, अंधे को अंग दान करना कितना ज़रूरी है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो आज के युग में जो जो चीज़ की ज़रूरत है उनको हमें अपने एक कल्चरल प्रोग्राम के जरिए आप लोगों के सामने दिखाने की चेष्टा करें। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 2027 लीने शोभा अग्रवाल ने कहा कि हमारे सारे सदस्य काफी मेहनत से सेवा कार्य करते हैं और उनका हमेशा उद्देश्य रहता है कि काम को बेहतर तरीके से किया जाए। हमारे मेंबर्स बहुत मेहनत किए हैं और बहुत सारे चार में रहता है उनका प्राय मन रहता है कि कुछ बेस्ट अच्छा से अच्छा करें। उनमें बहुत मैंने शौक रहता है, उमंग है हमारे मेंबर्स में, हमको प्राउड है। हमारे जो नए मेंबर्स हैं उनमें बहुत ये मन रहता है कि भाई हम अच्छे से अच्छे आइडल नहीं है। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।